टीम डीएनएन न्यूज की टीम ने तमाम बड़े दिग्गजों से, और इस सत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्री प्रभात झा से सवाल पूछेंगे, और सवालों की कमान इस सत्र में होगी श्री विनोद अग्निहोत्री जी, डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और कृष्ण मोहन झा जी के पास। प्रभात जी, अमर उजाला डीएनएन के संवाद में आपका स्वागत है, और हमने कार्यक्रम का फॉर्मेट इसलिए रखा कि आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से हम तीन की मीडिया जूरी जो सवाल करेगी और आपको जवाब देना होगा। इससे पहले संबित जी के साथ भी ऐसा ही किया, प्रियंका चतुर्वेदी जी थी अभी, तो मुझे उम्मीद है चूंकि आप इतने प्रखर प्रवक्ता और वक्ता हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये जूरी तीन की भी कम पड़े आपके सामने। नहीं, नहीं, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विनोद जी। प्रभात जी, मध्य प्रदेश से आपका बड़ा पुराना नाता है, आप प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और आपको यहाँ एक एक गांव देहात शहर की पकड़ है। दिल्ली में रहने के बावजूद मध्य प्रदेश के साथ आपका जो रिश्ता या जो कनेक्शन है वो छूटा नहीं। आमतौर पर दिल्ली जाने के बाद नेता लोग अपने गृह राज्य को छोड़ देते हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो सरकार जो 3 बार जीती उसमें आपका भी बड़ा महान महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन ये बताइए कि इस बार जिस तरह से, क्योंकि मैं जब मध्यप्रदेश आया, मैं 1993 से मध्यप्रदेश को कवर कर रहा हूं, 1993 में पता लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की आने वाली है। 1998 में पता लग गया था कि वापस कांग्रेस लौटने वाली है। 2003 में पता लग गया था कि दिग्विजय सिंह की विदाई होने वाली है और बीएसपी जीतने वाली है, यानी बिजली सड़क पानी उमा जी के नेतृत्व में। 2008 में और 2013 में भी हम लोगों को पता लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है। इस बार जहां हम जा रहे हैं वहां ये हो रहा है कि भाई बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर है। लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं खींच खांच के शायद गुजरात की तरह बीजेपी बना ले, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं इस बार हो सकता है कांग्रेस बना ले। तो ये स्थिति क्यों आई, ऐसा एक भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हुई? ये भ्रम उनको है जो गांव में नहीं जाते हैं, जो दौरा नहीं करते। ये भ्रम उनको है जिनको सत्ता में आने की छटपटाहट है। ये भ्रम उनको है जिनकी नैया डूब रही है। ये भ्रम उनको है जो कथित समर्थक हैं कांग्रेस के या जो कांग्रेस में है। उनको कोई भ्रम नहीं है जो सरकार के सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। चर्चिल ने कहा था कि गवर्नमेंट हैव टू वर्क्स, टू मेक द पॉलिसी एंड टुक द एकदम टेक द लॉ एंड ऑर्डर एंड सी द लॉ एंड ऑर्डर। मध्य प्रदेश की सरकार इन दोनों बातों पर खरी उतरती है। साथ साथ 300 योजनाओं को 5.5 करोड़ जनता तक, 1 करोड़ परिवार तक ले गई है, और सामाजिक सरोकार बनाया है। विनोद जी, जब सामाजिक रिश्ते टूट रहे हैं, ऐसे में कोई राजनीतिक नेता सामाजिक रिश्ता बना दे। आप किसी बच्ची से पूछिए कि आपका मामा का नाम क्या है, आपके मामा का नाम, तो वो कहेगा शिवराज सिंह चौहान। आप उनसे पूछिए आपके अपने मामा का नाम क्या है, शायद वो नहीं बता पाएंगे। ये सामाजिक रिश्ते बनाना, इसलिए एक मिनट, ये सामान्य घटना नहीं है, ये असामान्य घटना है। जब रिश्ते टूट रहे हैं भाई भाई के, ऐसे में राजनीतिक व्यक्ति द्वारा रिश्ते, और ये रिश्ते घर तक पहुंच गए। इसीलिए सड़क पर जब किसी आदमी को पुलिस पकड़ती है तो कहता है मेरा साला जो है मुख्यमंत्री है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, नहीं नहीं एक मिनट, अरे ताली वाजिब बातों में बताइए प्लीज, एक मिनट। अब आप कह रहे हैं, क्या आपको कहने का अधिकार नहीं है? क्या किसी के बोलने पर शिवराज जी नियंत्रण लगाएंगे? अगर कोई बदमाशी की तरह कहता है कि मैं उनका साला हूं या मैं उनका जीजा हूं, क्या करोगे आप उसको? यही ना एक्शन लिया जाएगा। ये इसके लिए शिवराज जी दोषी हो गए? नहीं नहीं, आपने कहा ना, मैं तो आप ही की बात ही बात नहीं, नहीं इसीलिए ना ना मतलब इतना प्रचलित ना 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 प्रचलित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी की दया पर नहीं है, किसी नेता की, वो जनता के दया पर आई है। 2003 में, 2008 में, 2003 में भी यही बातें थी, 2008 में भी लोग कह रहे बड़ा मुश्किल है, 2013 और है ना मुश्किल। हम किसी भी चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं, और चुनौती नगर पालिका की, नगर निगम की हो, 16 की 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है, किस मुंह से कोई हमसे बात करेगा? लेकिन शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मुख्यमंत्री कहा जाता है कि 25,000 से ज्यादा घोषणाएं कर दी उन्होंने और जमीन पर उतरी नहीं। आपको मैं निवेदन करता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है मेरे, नहीं ये मतलब कहा जाता आरोप। देखिए विनोद जी, पत्रकार कभी कही गई बातों पर नहीं बोलता है,
नहीं मैं तो आरोप नहीं लगा रहा, वो बता रहा हूं। आप 250 घोषणाएं गिना दो, मैं जिंदगी भर गुलामी लिखूंगा आपकी। आप 25,000 की बात कर रहे हो, 250 घोषणाएं आप गिना दो, कैसी बात करते हो? ये कांग्रेस की भाषा है ये तो। मैं विनोद जी एक मैं तो जो मैं आरोप है उसमें एक निवेदन करूंगा आपसे, मेरे को आप कांग्रेस की भाषा के रूप में नहीं, एक पत्रकार की भाषा के रूप में। इसीलिए तो पूछा आपसे ताकि एकदम निहायत गलत। शिवराज जी ने जो घोषणा की आज वो जमीन पर साकार है, और इसीलिए हर चेहरे पर मुस्कान और नाम लेते हैं शिवराज सिंह। मेरे साथ दो मध्यप्रदेश के पत्रकार है, ये बताएंगे। प्रभा जी, आपने जब चुनाव शुरू किया था तब विकास के मुद्दे पर चुनाव शुरू किया था, विकास की बात थी और विकास का एजेंडा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव शबाब पर आ रहा है वैसे वैसे आप इमोशनल कार्ड्स खेलने लग गए हैं। अब आप नरेंद्र मोदी जी की माता जी का मुद्दा, आपने जो राजबब्बर ने कहा कि अब उनकी उम्र तक पहुंच गया, तो आपने नरेंद्र मोदी की माता जी को मुद्दा बना दिया, यानी फिर अपनी आप फेवरेट पिच पर आ रहे हैं, वही जो नीच वाली बात है, शमशान कब्रिस्तान वाली बात है, इस बार माँ है। तो विकास से आप हट क्यों गए और इमोशनल कार्ड पर क्यों आ गए? अच्छा ये बताइए, जितने लोग बैठे हैं क्या सबकी माँ सम्मानी नहीं है? कोई किसी की मां का मान सम्मान कर सकता है? देश के प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के बारे में 96 साल की आप हैं, आप क्या कहते हो कि डीजल के भाव 96 साल की उनकी मां की उम्र के? क्या इस भाषा को आप कहते हैं नहीं कहा जाए? कहा जाए तो उनको समझाया नहीं जाए? एक विलास मुत्तुरवार, क्या नाम है उनका? विलास राव देशमुख, नहीं नहीं देशमुख तो एक्सपायर हो गया, मुत्तुरवार, वो कह रहे हैं इनके बाप को कौन जानता है, नेहरू जी के पिताजी को मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी इंदिरा जी के पिताजी नेहरू जी और राजीव गांधी की माँ, उनको सब जानते हैं। आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा, जिसके माँ बाप को कोई नहीं जानता वो इस देश का प्रधानमंत्री जनता के आदेश पर है, और जिसके सबको जानता है, पूरे खानदान को जानता है, जनादेश चौराहे पे लाके खड़ा कर देती है, यही भारत का लोकतंत्र है। और इसलिए ऐसी भाषा बोलने वाले के लिए विनम्रता से कहता हूं, मैं कोई सवाल नहीं करता, मैं किसी के माँ बाप के बारे में, मैं सामान्य कार्यकर्ता जनता के माँ बाप के बारे में नहीं बोलना चाहिए। माँ आस्था है, पिता विश्वास है, और किसी के आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने की ताकत किसी को नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं। प्रभा जी, दिसंबर दिसंबर 2012 में आपने कहा था कि बड़ा पोखरण विस्फोट से बड़ा विस्फोट हुआ है, और उसके बाद तमाम तरह की बातें हुई और आपको दिल्ली और पंजाब भेजा गया, लेकिन अचानक फिर मध्य प्रदेश प्रेम आपका जागा और फिर मध्य प्रदेश में आप नई पारी खेल रहे हैं, और इसमें कई बार ये कहा जाता है कि प्रभा जी ये जबरन इस पारी को खेल रहे हैं। कृष्णमोहन जी, ये माउथ कन्वेसिंग है। मैं इमरजेंसी 2075 के दिसंबर में फरार होकर आया था बंबई से, वारंट निकला था मेरा आपातकाल में, और 2000 में माफी नहीं मांगी मैंने जेल के शिक्षकों को, है कोई 70 साल की उम्र में क्या गुनाह किया था हमने, और तब से आया हूं तो 43-44 साल से मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार भ्रमण कर रहा हूं, कभी पत्रकार के रूप में, कभी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, कभी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और मैं कहीं चला जाऊं मेरी धड़कन मध्य प्रदेश में रहती है। मैं ग्वालियर, भोपाल, अभी भी जन आशीर्वाद के 184 विधानसभा के बाद विनोद जी 165 विधानसभा में लौटकर आपके पास बैठा हूं, और अभी फिर जाऊंगा रात को, कुक्षी जाना है मुझे। सवाल क्या है, हम लोग पूरी तरह से घूमते हैं, और ये कोई लोटा वाट नहीं, सब जानते हैं, हर राजनीतिक दल में हर की पारी होती है। मैंने अध्यक्ष के रूप में अपनी पारी खेली, अब उपाध्यक्ष के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते, और हम पार्टी के कहने पर काम करते हैं, अपने मन से हमने शपथ ली हुई है, संघ की शाखा पर कमिटेड हैं, हमको कार्ड दिया गया, कहा गया 20 सूत्री पे साइन करिए, हम जानते नहीं थे, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, हमने कहा हटाओ इसको 20 सूत्री को, जेल की सीख से मंजूर करेंगे लेकिन हम 20 सूत्री को नहीं मानेंगे, ये हम फौलादी लोग हैं, और इसलिए दुनिया की ताकत भी आ जाए तो प्रतिबद्धता नहीं छोड़ सकते। मुझे हार जीत की क्या पड़ी, मेरी जंग थी, मैं लड़ा था, इस भाव से हम लड़ते हैं। अच्छा, इसीलिए शायद जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि अगर बीच में शिवराज जी को रिप्लेस करके आपको मुख्यमंत्री बना दिया था तो शायद आज भाजपा जो है जीत की राह पर सीधे सीधे। आज मैं विनोद जी एक लड्डू जरूर खाऊंगा जी। क्या इलायची पकड़ाई इन्होंने मेरे, आप लड्डू मत खाइए, एक मिनट, आज ये कितनी मजेदार बातें, अगर आपको विनोद जी, हम तो नेता एक ही होता है, एक मिनट, नेता एक ही होता है। आज कांग्रेस और भाजपा में अंतर विनोद जी सिर्फ ये है कि यहाँ एक नेता है, वहाँ अनेक नेता है। नेता आपके यहाँ बदले जाते रहे? ना ना ना, देखिए मेरे यहाँ 13 साल से
एक मुख्यमंत्री एक आवाज शिवराज, और खूब काम कर रहे हैं, उनके पीछे हम चट्टान की तरह। भाजपा में तीन मुख्यमंत्री आए थे, आप दूसरी पार्टी से अपने अंतर की बात कर रहे थे, पार्टी में डिफरेंस की बात होती है, लेकिन आपकी पार्टी में वंशवाद आ गया, नेताओं के बच्चों को टिकट दिया जा रहा है, और लगभग आप कांग्रेस की भद्रंग फोटोकॉपी होते जा रहे हैं। आपको कहने का अधिकार है, कहिए, लेकिन मेरी पार्टी में नेहरू जी कोई थे क्या? मेरी पार्टी में इंदिरा जी हैं क्या? मेरी पार्टी में राजीव गांधी जी हैं क्या? मेरी पार्टी में राहुल गांधी जी हैं क्या? ये इसको कहते हैं वंशवाद, इसकी तुलना मत कर। लेकिन मैं रिटायर्ड हो रहा हूं और मेरा बेटा काम कर रहा है 25 साल से, अगर उसको टिकट मिल गया तो कोई अन्याय है क्या? दिग्विजय सिंह जी का बेटा लड़ रहा है, अन्याय है क्या? नहीं, गलत नहीं है, काम किया उसने। अगर लक्ष्मण सिंह जी काम कर रहे तो राजगढ़ के सांसद थे, क्या अन्याय हो गया? अगर लक्ष्मी नारायण जी यादव रिटायर्ड हो रहे हैं और सुधीर यादव जनपद का मंडी का अध्यक्ष रहा है तो क्या लड़ेगा नहीं हो? ये गलत है। हम वंशवाद इसको नहीं कहते हैं, किसी का बेटा ईमानदारी से काम करके राजनीति में, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, अगर काम करके आता और जनता स्वीकार करती है तो उसको मौका मिलना चाहिए। परंतु आज एक काम कहीं ना, मुझे एक अमित शाह के बदले कौन अध्यक्ष बनेगा हम लोग नहीं जानते, लेकिन राहुल गांधी जी के बाद कौन बनेगा, राहुल जी के पहले कौन था, आप मुझे बता दीजिए। एक चुनौती दे गई है, अभी प्रियंका चतुर्वेदी हमारे कार्यक्रम में आई थी, बड़ा अच्छा विषय, इसी पर उनसे पूछा गया सवाल कि गांधी परिवार का अध्यक्ष, तो उन्होंने तमाम नाम गिनाए। उन्होंने कहा मैं चुनौती देकर कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक ऐसा अध्यक्ष बनवा दे, बता दे जो नागपुर के इशारे पर ना आया हो संघ के। ये उनकी खाली उनकी बात है, जैसे कितनी अच्छी बात है, मेरी तरफ से आप प्रियंका को बधाई दे देना। नहीं नहीं, आप बोल दीजिए, हमारा चैनल बोलेगा। नहीं नहीं, नागपुर तो है ना, इनके पास कोई कानपुर है क्या, जबलपुर है क्या? मेरे पास ना, अरे काय की दिल्ली। अब देखो मैं एक बात बता, एक मिनट, एक बात दोस्त के मेरे विरोधी के नाते नहीं, सही बात सुन लेना। जिस दिन कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति तो स्वाभिमानी से खड़ा हो जाएगा कि हे राहुल जी अब छोड़िए, बहुत हो गई, 20-20 राज्य आपने हरा दिए, ये कहने का साहस जब तक नहीं होगा तब तक कांग्रेस की नैया उभर नहीं सकती। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। देखिए फिर मैंने कहा राजनीति में अच्छी बुरी नहीं, हर भाई हमारा विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए। आप ही तो कहते हो कि लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, एक विपक्ष और एक सत्ता पक्ष। राजनीति में पूरी तरह से ये बात खारिज कर दी गई है। अब हम सोच रहे जनता, हाँ पूछे प्रभात जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रभात जी एक एक कर एक मिनट एक झांसी का सवाल हो जाए उसके बाद। प्रभात जी आपने कहा कि हम कमिटमेंट लोग हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जो आपके फाउंडर थे सरताज सिंह जी अचानक चले गए, क्या वजह थी उनको कांग्रेस का दामन थामना पड़ा और उनको आप जैसा नेता होने के बाद भी उनको वापस नहीं ला पाए? मैं बताता हूं, जब व्यक्ति की आकांक्षा पार्टी की आकांक्षा से ऊपर हो जाती है, किसी भी पे, मेरे भी हो जाए कल, मुझे मेरी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत का आकलन स्वयं करना चाहिए, मुझे स्वयं मॉनिटरिंग करना चाहिए, और इसलिए अर्जुन सिंह जी को हराने की ताकत सरताज सिंह जी में नहीं थी, भाजपा में थी, सरताज सिंह जी निमित्त बने थे। हजारीलाल जी रघुवंशी को बार बार हराने वाले, इटारसी में 6 बार नगर पालिका अध्यक्ष, अजय अटल बिहारी वाजपेयी जी के फर्स्ट कैबिनेट में 13 दिन के स्वास्थ्य मंत्री, ये सब देने के बाद अगर कोई पार्टी को दुलत्ती दे, पार्टी ने तो लाल बत्ती दी और आपने पार्टी को दुलत्ती दी, ऐसे व्यक्ति को जनता 11 दिसंबर को जब फैसला होगा ऐसा मंच बुलाना, मैं आऊंगा उस पे। मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि सरताज सिंह जी का न सर रहेगा न ताज रहेगा। लेकिन प्रभात जी इस तरह के जो लोग जिनको पार्टियां लाल बत्ती देती हैं और फिर दुलत्ती को मारते हैं, आपकी पार्टी भी उनको गोद में बिठाती है, कांग्रेस भी बिठाती है, देखिए संस्कृति तो मतलब ना, आप बताइए, एक राजनेता के रूप में पैराशूट दोनों दलों से दल बदल करके जो आपकी पार्टी में, आप भी रामजन गुड्डू को ले देते हैं, दूसरे दिन टिकट दे दिया और वो सरताज सिंह को ले लेते हैं। मैं बता क्या होता है, ये सरताज सिंह जी और गुड्डू की तुलना मत करिए। गुड्डू जी जब मंच पर आए तो नाराज मत होना कोई कांग्रेसी मित्र, ज्योतिरादित्य जी ने कहा बदबू आ रही है, बदबू, उसमें गुस्सा हुआ वो कि एक अनुसूचित जाति को बदबू, अरे भाई गरीब का पसीना नहीं आएगा तो क्या परफ्यूम लगा के चलेगा वो? इस पर से वो पार्टी छोड़कर गया है। ये गुड्डू तो पहले से वहां थे तो बदबू नहीं आई, बदबू आने लगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं आपको मंच की सच्चाई बता रहा हूं। अरे मेरे सारे कांग्रेसी मित्र थे। चलिए चलिए आप एक एक करके पूछिए। नहीं अब आप पूछिए सवाल। चलिए प्रभात जी, अभी आपने कहा मामा का जिक्र किया, दो मामा त्रेता और द्वापर में हुए थे, उनका बड़ा नाम था और कलयुग में शिवराज जी मामा है। आए दिन मध्य प्रदेश में 5 रैप डेली हो रहा है,
क्या होते हैं, रैप, रैप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रैप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण हो रहा है, आदिवासी महिला जिलों में महिला तस्करी हो रही, क्या मध्य प्रदेश में सब अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इसको सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है, लेकिन किसी सरकार को दोष देना यह सामाजिक रूप से मुझे लगता है कि हम अपने को सक्रियता और जागरूकता करने के बजाय गुनाह के खटघरे में खड़ा करते हैं। या एक मिनट देखिए, पूरी बात सुनिए, मैंने सवाल बहुत ध्यान से सुना है भाई। और मैं गंभीरता से सवाल दे रहा हूं, यह सामाजिक समस्या है, इसको समाज को और सरकार को मिलकर करना पड़ेगा, और इसीलिए शिवराज सिंह जी ने 14 लोगों को फांसी मध्य प्रदेश की अदालत से दिलाई गई है। भारत का पहला राज्य है जहां पर फांसी की सजा का कानून बनाया गया। एक सेकंड प्रभात जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं थोड़ा सा कि ये सामाजिक बुराई है और इसको समाज और सरकार को मिलकर करना चाहिए प्रभात जी। लेकिन लेकिन ये 14 लोगों को सजा हुई है सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं साथ हूँ आपके इस बात पे, सजा हुई है, सजा, फांसी की सजा सुनाई गई है। मेरा सवाल हो जाने दीजिए, उसकी प्रक्रिया है, सवाल हो जाने दीजिए, कटघरे में खड़े हुआ, एक मिनट प्रभात जी को बोलने दीजिए भाई, फालतू बात कर, उनकी बात होने दीजिए, मैंने वाजिब बात करिए, मैं सुनूंगा प्रभात जी, प्रभात जी। इसलिए बलात्कार की समस्या हर जगह की है और इसके लिए कानून के माध्यम से, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से जितनी पीड़ा मेरे मित्र को है उससे ज्यादा पीड़ा हम लोगों को है, आप सबको है। ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसमें अवेयरनेस, जागरूकता सबका साथ चाहिए ही, तब जाके ये दूर होगा। एक माइक इसके, हाँ प्रभात जी, आप कह रहे थे कि आपके पास एक नेता है, इतनी बड़ी पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा संगठन, दिल्ली में भी आपके पास एक ही नेता है, मध्य प्रदेश में भी एक ही नेता है, छत्तीसगढ़ में भी एक ही नेता है, राजस्थान में भी एक ही नेता है, इतना दिवालियापन आखिर हो क्यों गया? रिजवान भाई, नेता सब होते हैं लेकिन अगुवाई एक करता है। इंदिरा जी कि यहाँ भी पार्टी में बहुत नेता थे। अरे सुन तो, सुन लीजिए भाई, क्यों कांग्रेस पना दिखा रहे हो, अच्छा पना दिखाओ ना, जो सुन नहीं सकते फिर क्या करोगे, सुनो ना यार, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आज का विरोधी कल का समर्थक है मेरा, कल भी मेरे समर्थक में आ जाओगे तुम, ध्यान रखना। चलिए प्रभात जी, आपने ऑफर दे दिया। नहीं, मैं तो हमेशा जी एक एक विरोधी को मैं कहता हूं कि आज का विरोधी कल का समर्थक है, मैं प्यार से ऐसे किचकिच नहीं करता, अपनी बात कहो मैं भी कहूंगा। अब आप देखिए रिजवान भाई, नेता एक ही होता है लेकिन नेता पे गर्व होना चाहिए, हम लोग भी हैं अपने पार्टी में काम करते हैं, सब नेता है, लेकिन अगुवाई किसकी, और जिसकी अगुवाई होती है, इसीलिए हमने कहा माफ करो महाराज फिर शिवराज। अब इसके लिए लोग नाराज हो रहे हैं, हम क्या करें इसके लिए, ये महाराज कौन है? एक सवाल आपसे और पूछ ही लेता हूं, वैसे ये अन्याय है वहां मुझे नहीं करना। जी रिजवान भाई, ये महाराज कौन है, महाराज की तरफ आपका इशारा क्या है? देखिए मैं बताता हूं, अब आप खुल के ही पूछना चाहते हो, इस कांग्रेस का दुर्भाग्य था वो दिन जिस दिन दो लोगों के नाम की घोषणा हुई, कांग्रेस अच्छा कहेंगे उसको, मैं विरोधी के नाम कहता, दो नाम, एक इस प्रदेश का उद्योगपति 74 साल के, कोई दिक्कत नहीं आप बनाइए, एक सामान्य व्यक्ति नेता अगर नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं थी, उद्योगपति को बनाया आपने, ये सब सुनने का मैं कहने का हूं, मेरी पार्टी में भी होगा तो मैं बोलूंगा इसको। और दूसरा डायनेस्टी फैमिली, छिंदवाड़ा में 7 में से 4 सीटें हारे विनोद जी कमलनाथ जी अपनी लोकसभा में, और 8 में से 3 सीटें ज्योतिरादित्य जी, 4 लोकसभा में 3 लोकसभा हारे, भिंड मुरैना ग्वालियर, काय के नेता है ये तो कांग्रेस की मजबूती नहीं मजबूरी है। अगर कांग्रेस में कोई नेता है गांव गांव तक मेरा घोर विरोधी होने के बाद, तो उस व्यक्ति का नाम है दिग्विजय सिंह, जिसके गांव गांव में लोग, ये काय के नेता है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता है, 65,000 गांव का कोई नेता है, तो दिग्विजय सिंह जी उनको तो आप बंटाधार कहते हो। अब हम जीतने के लिए, अच्छा जो उन्होंने बंटाधार किया तो नहीं कहेंगे, सड़क बिजली उनको क्या भगवान कहेंगे, मैं सही बात कह रहा हूं, इसलिए कि कांग्रेस की गलती उसी दिन हो गई जब दिग्विजय सिंह जी को साइड ट्रैक कर दिया। एक सवाल बहुत सीधा, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम, अब की बार कितने पार, अब की बार चौथी बार बहुमत की सरकार, अच्छा ये एक चलो मैं 200 का विश्वास दे रहा आपको,
अच्छा नारा क्या लगाएंगे, 100 के अंदर? नहीं नहीं, आपका क्या कहना, 100 के अंदर? नहीं नारा क्या, अरे नारा तो आज भी है कल भी रहेगा, चौथी बार भाजपा सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम, बस इस कार्यक्रम को हम यही संपन्न करते हैं। और प्रभात जी का इस कार्यक्रम आने के लिए बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, हमारे लिए समय निकाला है व्यस्त समय में, चुनाव के समय है ना। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्री प्रभात झा हमारे साथ मौजूद थे। अब मैं दिजाना समूह के एडिटर इन चीफ डॉक्टर रिजवान अहमद सिद्दीकी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो कृपया मोमेंटो प्रदान करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद श्री प्रभात झा जी को। ग्रुप एडिटर दिजाना मीडिया समूह डॉक्टर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस सत्र के लिए हमारे होस्ट श्री विनोद अग्निहोत्री जी, डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और श्री कृष्ण मोहन झा जी को। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और इसके बाद वापस हाजिर होंगे छठवें सत्र के साथ संवाद खास कार्यक्रम साझा मंच पर, अमर उजाला और डीएनएन न्यूज का।